हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाले में। टीडीएस ऑनलाइन करेक्शन के इस सीरीज में, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर आपने एनेक्सर 2 में सैलरी के डिटेल को गलत डाल दिया है। मान लीजिए कोई एक डिडक्टी है जिसका हो सकता है पैन रॉन्ग हो गया हो, या फिर अमाउंट हमने गलत डाल दिया हो, ग्रॉस अमाउंट गलत डाल दिया हो, हमने कोई डिडक्शन गलत डाल दिया हो, तो हमें क्या करना होगा, जो हमने ऑलरेडी इंसर्ट कर दिया है उसको डिलीट करना पड़ेगा और नए डिटेल्स को ऐड करना होगा। तो ऑनलाइन कैसे ऐड करना है, इस वीडियो में डिटेल में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको ऑल पे क्लिक करना है ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, टीडीएस सीबीसी के वेबसाइट पे आपको आ जाना है, जो कि ट्रेसेस की ऑफिशियल वेबसाइट है। और यहाँ पे आने के बाद आपको लॉग इन पे क्लिक करना है। लॉग इन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बेसिकली डिडक्टर पे ही क्लिक करना है। डिडक्टर पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, बेसिकली आपको आपका यूजर आई डालना है, आपका पासवर्ड डालना है, आपका टैन नंबर डालना है और यहाँ पे कैप्चा फिल करके लॉग इन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ऐसा कुछ पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है डिफॉल्ट्स में। डिफॉल्ट्स में जाने के बाद रिक्वेस्ट फॉर करेक्शन का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको डिटेल्स डालने पड़ते हैं कि कौन से फाइनेंशियल ईयर का आप करेक्शन करना चाहते हैं। यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर डालना है, आपको क्वार्टर सेलेक्ट करना है, फॉर्म टाइप सेलेक्ट करना है। आपको पता होगा तो सैलरी के लिए 24Q यूज करते हैं हम, तो यहाँ पे फॉर्म टाइप 24Q करना है। कैटेगरी में आपको ऑनलाइन चूज करना है करेक्शन कैटेगरी में, और सबमिट रिक्वेस्ट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका रिक्वेस्ट नंबर जनरेट हो जाएगा एंड यहाँ पे आपको नीचे आएगा गो टू ट्रैक करेक्शन रिक्वेस्ट, आप सीधा इस पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, बाय चांस अगर यहाँ पे इन एनी केस आपका लॉग आउट हो गया, अगर फॉर एग्जांपल लॉग आउट हो गया तो आपको क्या करना है, और वापस लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद आप डिफॉल्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ट्रैक करेक्शन रिक्वेस्ट का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, या फिर आप सीधा गो टू ट्रैक करेक्शन रिक्वेस्ट पे क्लिक कर सकते हैं अगर आपका लॉग आउट नहीं हुआ या फिर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे व्यू ऑल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने जो भी यहाँ पे करेक्शन रिक्वेस्ट जनरेट किया था वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, स्टेटस में अवेलेबल दिखेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अगर आपने एक बार क्लिक करके कोई काम किया है और वापस आप आके चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे इन प्रोग्रेस करके भी दिख सकता है। ठीक है, तो सीधा आपको इस पे क्लिक करना है, अवेलेबल जो दिख रहा है ना इस पे क्लिक करना है आपको। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे केवाईसी के दो ऑप्शन आते हैं, पहला डिजिटल सिग्नेचर का केवाईसी, दूसरा आता है नॉर्मल केवाईसी वैलिडेशन। नॉर्मल केवाईसी वैलिडेशन में बेसिकली आप अगर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद आपको बेसिकली जो ओरिजिनल आपने रिटर्न फाइल किया था उसका डिटेल डालना पड़ता है, बेसिकली कि आपका चालान कौन सा था, कोई एक चालान का डिटेल डालना है, डिडक्टी के डिटेल डालने हैं एंड एक्नॉलेजमेंट नंबर डालना है। ठीक है, वहां पे आपको ऑप्शन देता है कि कौन से क्वार्टर का आपको डालना है, तो उसी क्वार्टर का आपको यहाँ पे इंसर्ट करना पड़ता है। बट अगर आपके पास डीएससी है तो आपको डिजिटल सिग्नेचर अपने पीसी या फिर लैपटॉप में अटैच करना है, डीएससी पे क्लिक करना है, वैलिडेट डीएससी पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है, डीएससी जितने भी डीएससी रहेंगे सारे डिटेल्स दिख जाते हैं, आपको आपका नाम सेलेक्ट करना है और साइन इन पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे आप फाइनली करेक्शन के लिए आ चुके हैं। यहाँ पे करेक्शन टाइप में आपको सेलेक्ट करना है एड स्लैश डिलीट सैलरी डिटेल्स अनेक्सर 2, इस पे आपको क्लिक करना है और व्यू डिटेल्स पे क्लिक कर देना है। जैसे ही व्यू डिटेल्स पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको तीन चीजें मिल जाती हैं, डिफॉल्ट डिडक्टी, ऑल डिडक्टी एंड एड न्यू डिडक्टी। तो ऑल डिडक्टी पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो सारे डिडक्टी के डिटेल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, किसी स्पेसिफिक जिसका डिलीट करना है उसका स्पेसिफिकली अगर आप पैन नंबर से भी सर्च करेंगे, पैन नंबर यहाँ पे डाल के अगर सर्च करेंगे तो वो भी आपको दिख जाएगा। बट सीधा आप ऑल डिडक्टी पे क्लिक कर दीजिए, क्लिक करने के बाद आपको सारे पैन नंबर यहाँ पे दिख जाते हैं। ठीक है, तो आपको सारे पैन नंबर क्या, सारे पैन नंबर और सैलरी के डिटेल्स पूरा दिख जाते हैं आपको। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बेसिकली जो डिलीट करना है उस पर क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद डिलीट डिडक्टेड रो पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे वो रेड मार्क में आ जाएगा, मतलब इसको आपने डिलीट किया है। ठीक है, सिर्फ अगर आपको इतना ही करना था, उसके आगे कुछ भी नहीं करना था, तो सीधा सबमिट करेक्शन रिक्वेस्ट पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, सबमिट करेक्शन स्टेटमेंट पे आपको क्लिक कर देना है। पर बाय चांस आपने डिलीट कर दिया बट आपको करेक्ट वाला डालना भी पड़ेगा ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिकली सीधा ऐड न्यू डिडक्टी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऐड डिडक्टी रो का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना तो ये सारी चीजें जो यहाँ पे लिखी हुई ना, सारी चीजें आपको यहाँ पे भरनी पड़ती हैं डिडक्टी रो ऐड करने के बाद, और यहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स होती हैं, स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे बेसिकली आपको सारी चीजें भरनी पड़ती हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन आता है कि आप न्यू स्कीम ऑप्ट कर रहे हैं या नहीं। अगर आप यस करेंगे तो आपको पता होगा सारे डिडक्शन आपको मिलते ही नहीं है, मैक्सिमम डिडक्शन आपको नहीं मिलते। अगर आप यस कर देते हैं तो डिडक्शन के डिटेल्स नहीं डालने हैं, सारे 0-0 ही रहेंगे। बट अगर आप नो करते हैं तो डिडक्शन के डिटेल्स आपको सारे डालने पड़ते हैं। फिलहाल मैं यस वाला बता रहा हूँ, बट सारे डिडक्शन कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे डालने, सारी चीजें मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ।
आपको यहाँ पे यस करना है, पैन आपको यहाँ पे डालना है, नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। डिडक्टिव टाइप में यहाँ पे कुछ लिखा रहता है, वो कैसे सिलेक्शन करना है। तो अगर आप एक इंडिविजुअल हैं और आपका एज 60 या फिर 80, मतलब जो डिडक्टिव है उसका 60 और 80 के बीच अगर एज है तो आपको यस क्लिक करना है, 80 के अबव है तो ओ क्लिक करना है, और अदर है तो जी क्लिक करना है। तो मैक्सिमम केसेस में जी ही आपको सेलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि आप करंट एम्प्लॉयर में को कब से ज्वाइन किया आपने। अगर ये स्टार्टिंग ईयर से है तो आपको फर्स्ट अप्रैल लिखना है, या फिर जब ज्वाइन किया है ज्वाइनिंग डेट आपको लिखना है। फिर अगर जॉब बीच में छोड़ दिया है तो वो डेट आपको लिखना है, या फिर पूरे साल था तो 31 मार्च आप लिख सकते हैं। ग्रॉस सैलरी आपको डालना है, इसके बाद परक्विजिट्स कुछ है, प्रॉफिट सिलियो सैलरी है तो वो डिटेल्स आपको डालने हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाता है ग्रॉस कितना हो गया सैलरी। इसके बाद यहाँ पे आता है कि क्या आपको किसी और इम्प्लॉयर से सैलरी मिली है क्या, मतलब अगर फॉर एग्जांपल 3 महीने कहीं और काम किया था फिर ज्वाइन किया है तो 3 महीने की सैलरी आप यहाँ पे डाल सकते हैं प्रीवियस इम्प्लॉयर का, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल सैलरी आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, यहाँ पे 10 तक हमने देख लिया, 11 तक देख लिया बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 12 नंबर पे क्या आता है, ट्रैवल कंसेशन अलाउंसेस कोई है, जितने भी अलाउंसेस हैं वो सारे यहाँ पे आपको डालने हैं, ठीक है। अलाउंसेस रहेंगे तो आपको यहाँ पे डाल देने हैं सारे। डालने के बाद कुछ भी एग्जम्पशन है तो सारे एग्जम्पशन के यहाँ पे टोटल्स मिल जाते हैं, ठीक है। कोई डिडक्शंस है तो सारे डिडक्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि यस किया है न्यू स्कीम के लिए इसलिए यहाँ पे कोई डिडक्शन नहीं आ रहा है, बट अगर आप ओल्ड स्कीम सेलेक्ट करेंगे तो डिडक्शंस आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे 23 में आ जाता है सैलरी चार्जेबल, कितना आपका सैलरी है बेसिकली, मतलब टैक्सेबल सैलरी कितनी है। फिर हम नीचे क्लिक करेंगे वापस, बेसिकली ये जो लाइन है ना इसको स्क्रॉल करेंगे तो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। फिर यहाँ पे आता है कि सैलरी में कितना आपका इनकम हो जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं कि आपका हाउसिंग लोन है तो यहाँ पे इंटरेस्ट का पोर्शन आप डाल सकते हैं, कोई अदर सोर्स इनकम है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं बेसिकली। इसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम आपका यहाँ पे आ जाता है। फिर आपके जितने भी डिडक्शन है ये सारे दिख जाते हैं, आप डिडक्शन सारे आप डाल सकते हैं, क्योंकि आपने यस किया इसलिए यहाँ पे नहीं डालना है, बट आप ओल्ड स्कीम में है तो सारे डिडक्शन आप डाल सकते हैं। यहाँ पे 33 तक डिडक्शन है, इसके बाद आप देखेंगे तो 33 से वापस स्टार्ट होता है, ये सारे डिडक्शन है आप यहाँ पे डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो जो डिडक्शन आपके पास अवेलेबल सारे डिडक्शन डाल दीजिए, डिडक्शन का टोटल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका जो टैक्स है, डिडक्शन लेस करने पर टैक्स कितना, इनकम कितना आता है वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर टैक्स कैलकुलेशंस हो जाते हैं, इसके बाद नेट टैक्स पेबल आ जाता है। अगर करंट एम्प्लॉयर ने कोई टीडीएस काटा, टीडीएस का अमाउंट यहाँ पे आता है। इसके बाद प्रीवियस एम्प्लॉयर जहाँ पे पहले काम किया था अगर उसने कुछ टीडीएस काटा है तो वो टीडीएस यहाँ पे आ जाता है। टोटल यहाँ पे टीडीएस का आ जाता है, कितना शॉर्टफॉल है, एक्सेस है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे और कुछ खास नहीं है जो आपको यहाँ पे डालना है। अगर आप एचआरए ले रहे हैं तो आपको यस करना है, यस करने के बाद 1 लाख से ज्यादा अगर रेट है तो लैंडलॉर्ड का यहाँ पे आपको पैन इंसर्ट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको सेव करना है, सेव करने के बाद सबमिट करेक्शन स्टेटमेंट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे करेक्शन रेडी फॉर सबमिशन हो जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे दिख जाएगा आपने क्या क्या करेक्शन किया था, कौन से क्वार्टर में। फिर चाहे तो इस पर क्लिक करके आप व्यू स्टेटमेंट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपने जो भी करेक्शंस यहाँ पे किए थे सारे यहाँ पे दिख जाएंगे। आपने बेसिकली सैलरी का डिटेल डिलीट और ऐड किया था तो वो चीज़ यहाँ पे आपको दिखेगी, ठीक है। पैन एरर से सब नहीं दिखेगा, आपने जो किया है वो दिखेगा। सबमिट टू एडमिन पे आपको क्लिक करना है, इसके बाद आपको कन्फर्म पे क्लिक करना है। कन्फर्म पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे सबमिट फॉर प्रोसेसिंग का डिटेल आ जाता है, इस पर आपको क्लिक करना है। बट अगर आपको लगता है नहीं कुछ चेंजेस और बाकी हैं तो एडिट करेक्शन पे आप क्लिक कर सकते हैं, अगर नहीं है तो सबमिट पे क्लिक कीजिए। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे डीएससी का ऑप्शन आ जाएगा, डीएससी सेलेक्ट करना है, साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद यहाँ पे सबमिशन हो जाएगा प्रॉपरली, ठीक है। अभी इसको व्यू करना है तो डिफॉल्ट में जाना है, ट्रैक करेक्शन पे क्लिक करेंगे तो सबमिटेड टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दिखेगा, टोकन नंबर दिखेगा आपको। फिर आप कुछ दिन बाद चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको प्रोसीड करके भी आ जाएगा अगर आपका प्रोसेस हो गया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया है कि कैसे आपको बेसिकली डिलीट या फिर ऐड करना है सैलरी के डिटेल्स को। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और भी वीडियोस मैं लाने वाला हूँ टीडीएस ऑनलाइन करेक्शन से रिलेटेड, तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।